नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। ये क्रिसमस मूवी लवर के लिए खास होने जा रहा है। 21 और 22 दिसंबर ये दो ऐसी डेट्स हैं जिनका इंतजार लोगों को क्रिसमस से भी ज्यादा है, क्योंकि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों पठान और जवान के बाद निर्देशक राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म डंकी लेकर सिनेमा घर पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस खास मौके पर बाहुबली स्टार प्रभास और केजीएफ 2 निर्देशक प्रशांत नील की भी अपकमिंग फिल्म सलार रिलीज होने वाली है। इन दोनों फिल्मों को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। सोशल मीडिया पर दोनों ही फिल्मों का बज ऐसा बना हुआ है। बता दें कि इसी बीच इन फिल्मों को एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। प्री टिकट सेल में शाहरुख खान की फिल्म प्रभास स्टारर मूवी से बढ़त बने हुए हैं। दोनों ही फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सामने आ रही रिपोर्ट की माने तो डंकी और सलार दोनों की एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन कर रही है, जहाँ नेशनल चेस में प्रभास भी सलार ने डंकी से ज्यादा टिकट्स अब तक बेच डाले हैं। तो वहीं डंकी की कमाई के मामले में प्रभास की सलार पीछे रह गई है। अभी तक शाहरुख खान की डंकी ने अब तक 1,44,830 टिकट्स बेचे हैं, जिसके साथ इस फिल्म की ग्रॉस बिक्री के आंकड़े 4.46 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं सलार की एडवांस बुकिंग की बात करें तो इस फिल्म के अभी तक 1,53,705 टिकट बिके हैं। SRK स्टार की तुलना में प्रभास की फिल्म के 8,875 टिकट ज्यादा बिके हैं। बावजूद इसके इसने लगभग 3.58 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है। शाहरुख की डंकी से प्रभास की सलार एडवांस बुकिंग कलेक्शन में पूरे 88 लाख रुपए पीछे चल रही है। इसकी बड़ी वजह साउथ राज्यों में टिकट की कीमतों पर लगाई गई रोक है। आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म ने तापसी पन्नू, बोमन ईरानी और विक्की कौशल सहित कई कलाकार अहम भूमिका में हैं। इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है। वहीं प्रभास की सलार की बात करें तो इसका निर्देशन प्रशांत नील ने किया है। फिल्म में प्रभास के अलावा श्रुति हसन, पृथ्वीराज सुकुमारन अहम भूमिका में हैं। ये फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। दोनों ही फिल्मों का ऐसा बज बना हुआ है, दर्शकों के साथ साथ फैंस को और लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है कि दोनों बड़े स्टार के फिल्म में हैं, कौन सी फिल्म बाजी मारती है, दर्शकों के दिल पर राज करती है, ये देखना हम होने वाला है। फिलहाल फिल्म की रिलीज के बाद ही फिल्म का क्या रिस्पॉन्स होता है दर्शकों का, वो हम आपको बता पाएंगे। खैर, जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।